टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा नगर निगम दिल्ली का माना जाता है। 2011 के पहले दिल्ली में एक यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसको तोड़कर 3 निगमों में डिवाइड कर दिया। इसका मकसद था दिल्ली में मेयर की ताकत को कम करना और यह विचार कि छोटे निकाय जनता की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। उस वक्त दिल्ली के नगर निगम पर भाजपा का कब्जा होता था। मेयर इतना ताकतवर हुआ करता था कि मुख्यमंत्री के घर के छज्जे तोड़ने तक के आदेश दे सकता था। केंद्र शासित प्रदेश में वैसे ही मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां होती हैं। ऐसे में मेयर का ताकतवर होना मुख्यमंत्री को और मौना बना देता था। कुछ सालों तक तो निगम का काम बढ़िया चला, लेकिन 2016 के बाद से इसकी वित्तीय हालत बिगड़ती गई। हालत अब ऐसे हो गए कि अधिकारियों को सैलरी देने तक के पैसे निगम के पास नहीं होते। कोविड में भी हमने देखा कि किस तरह निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ तक को महीनों की सैलरी नहीं मिली थी। अब एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली एमसीडी का यूनिफिकेशन करने जा रही है। आइए समझते हैं कि क्या यूनिफिकेशन से बदल जाएगा दिल्ली के एमसीडी की तकदीर, या ये सिर्फ दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शक्तियां कम करने का एक प्लान है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि एक बार फिर दिल्ली एमसीडी, जिसे 2012 में शीला दीक्षित ने साउथ, नॉर्थ और ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डिवाइड किया था, उसका एकीकरण कर दिया जाए। जब शीला दीक्षित ने निगम डिवाइड किए थे तो प्रस्ताव विधानसभा में पहले पास करवाया था, लेकिन मोदी सरकार ने एकीकरण के वक्त दिल्ली सरकार से पूछा तक नहीं और सीधे संसद में बिल ले आई, जबकि हर राज्य में स्थानीय सरकारें राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ बेसिक फ्यूचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव फेडरल प्रिंसिपल्स एंड वी आर फॉलोइंग ऑलवेज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी is always speaking about the cooperative federalism. Is it the cooperative federalism because Delhi Municipal Corporation Amendment Act was passed by the Union Territory Legislative Assembly of Delhi in the year 2011. And after that is trifurcating the municipal corporation into three. Now the parliament is coming, the government of India, the central union government is coming with a legislation so as to unify the three municipal corporations which comes under the domain of the Legislative Assembly of Union Territory of Delhi. इससे पहले केंद्र सरकार दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी वाला बिल पास करवा चुकी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि भाजपा आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबरा चुकी है। इस बार एमसीडी में भी उसकी हार पक्की थी, इसलिए चुनाव की घोषणा के जस्ट पहले यूनिफिकेशन का प्लान ले आई। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। आम आदमी पार्टी के बयानों को देखें तो ये नहीं लगता कि वो निगम के एकीकरण के खिलाफ है, वो केवल इस फैसले के टाइमिंग पर ही सवाल उठाते दिख रहे हैं। अब समझते हैं कि 3 निगम होने से दिल्ली को क्या नुकसान हो रहा था। दिल्ली एमसीडी 272 म्युनिसिपल वार्ड में 97% जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। बढ़ती जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए ट्राइफर्केशन का फैसला लिया गया था। 3 निगमों के अलावा दिल्ली में 2 छोटी लोकल बॉडी भी हैं, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ट्राइफर्केशन से ऑफिसर्स डिपार्टमेंट की संख्या 3 गुना हो गई थी। अब एक कमिश्नर की जगह 3 लोकल बॉडी कमिश्नर, 22 डिपार्टमेंट के 66 एचओडी, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और 1 की जगह 3 मेयर, यानी 5 साल में 15 मेयर दिल्ली को मिलते हैं। इन मेयर्स और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जो पहले 5 साल का होता था। जब तक दिल्ली का मेयर कामकाज समझता है, तब तक उसका कार्यकाल ही खत्म हो जाता है। इसकी वजह से वर्क एफिशिएंसी कम हुई और अस्थिरता का माहौल एमसीडी में रहा। ट्राइफर्केशन के 3 वर्ष के अंदर ही वित्तीय संकट दिखाई देने लगा। अब आप ही सोचिए, इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे तो कितने अधिकारी और कर्मचारी होंगे, उनकी सैलरी देने के ही लाले पड़ने लगे। और तो और, तीनों एमसीडी की कमाई के साधन भी बराबर नहीं है। साउथ एमसीडी, जहां दिल्ली का सारा पॉश एरिया आता है, वहां टैक्स कलेक्शन अच्छा होता है। वहीं ईस्ट एमसीडी, जहां ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज है, वहां बजट का संकट रहता। 2016 के बाद से आए वित्तीय संकट की वजह से 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित
प्रभावित दिखे। इसकी वजह से दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच लगातार टकराव होता रहा। एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार ने पैसे रोक रखे हैं, तो दिल्ली सरकार कहती है कि निगम में भ्रष्टाचार की वजह से पैसों की तंगी है। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में सैनिटेशन, स्ट्रीट और रोड डेवलपमेंट सर्विसेज की क्वालिटी खराब होती रही और जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ा। आपको याद होगा जब दिल्ली एमसीडी के मेयर 13 दिन तक मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर अनशन पर बैठे थे और कैसे सैलरी ना मिलने की वजह से सफाई कर्मियों ने कचरा उठाना बंद कर दिया था, जिससे कचरे के पहाड़ कई दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे। यह सब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एमसीडी का हाल था। 2019-20 में 398 करोड़ का घाटा एमसीडी ने उठाया था। कोविड की वजह से रिवेन्यू कलेक्शन में और ज्यादा कमी हो गई। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि यूनिफिकेशन ही इस समस्या का हल है, क्योंकि सरकार ने इसका कोई प्लान अभी तक पेश नहीं किया है कि आखिर ये होगा कैसे, अभी तक कोई रोड मैप भी तैयार नहीं है। हाँ, इतना तो है कि इससे खर्च जरूर घट सकता है और एक पावर सेंटर होने से थोड़ी स्थिरता दिखाई दे सकती है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पता चले कि किस तरह सरकारें अपने हित के लिए अचानक ढांचों में बदलाव करती हैं बिना कोई प्लान बनाए और कैसे उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।